तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी तक? हाँ, इन प्रीवियस क्लास। हाँ हाँ करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क हम लोगों ने बात कर चुके हैं ना। और इन दिस लेक्चर हम लोग वी विल लर्न अबाउट सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। तो हम लोगों ने बात किया था सिमेट्रिकल मतलब क्या है। सिमेट्रिकल पीछे वाले बच्चे ध्यान से रिस्पांस करते रहिए तभी मज़ा आएगा। सिमेट्रिकल का मतलब हम लोगों ने बात किया था कि सिमेट्री हो, कि मतलब इनपुट साइड से भी अगर हम उसका कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हम लोग मेजर करें या आउटपुट साइड से मेजर करें, दोनों के पैरामीटर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो उस टाइप के नेटवर्क को या उस टाइप की चीज़ को, ज़रूरी नहीं है कि सिंपली वो चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क आपका जैसा है तो नेटवर्क जनरली सम रेजिस्टिव कंपोनेंट या इंडक्टिव कंपोनेंट लेके हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग देखना ये चाहते हैं कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो सिमेट्रिकल की कुछ कंडीशन है नेटवर्क केस में, और आपके केस में दो बच्चे सिमेट्रिकल हैं कि नहीं वो हम लोग कैसे मेजर करें। तो ये हम लोग उनकी नेचर, उनके करेक्टरिस्टिक से कि भैया मान लो एक झापड़ इसको भी मारे बच्चा हो सकता है कुछ रिस्पॉन्ड न करे, आइडियल बच्चा हो इसको मारे हो सकता है रिस्पॉन्ड कर दें, तो उस रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं हुए। इसी तरीके से नेटवर्क में हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। उसको पहचानने के तरीके हैं कि इधर इस साइड से कुछ सिमिलर दिखेगा, लेकिन हम इंजीनियर हैं तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इनपुट साइड से देखो या आउटपुट साइड से देखो, दोनों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब, आपकी क्लास में तो बहुत थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, बाकी बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। सारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप में सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी देखने को बोला गया है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्यों हम लोग किसी नेटवर्क का पता लगाते हैं? इसलिए पता करते हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जब किसी का पता हो जाता है, इम्पीडेंस मतलब ही होता है दैट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट ना। लेकिन करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का मतलब होता है जैसे ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से दिल्ली तक बिछी हुई है ना, तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कांस्टेंट होती है किसी भी लाइन, चाहे फाइबर लाइन बिछी हो ग्राउंड से, आपने देखा होगा ग्राउंड में गई हुई है, और ट्रांसमिशन लाइन जिससे गई हुई है टावर, आपने BTS देख रहे होगा ना, मोटी मोटी ब्लैक कलर की केबल निकली रहती है, कभी खड़े होकर देखिए गए हैं, लंबे लंबे GSM एंटीना लगे रहते हैं, उनसे नीचे RF केबल लगी रहती हैं, इन सब का वोल्टेज टू करंट रेशियो कांस्टेंट रहता है एंटायर लाइन। तो उसका मतलब होता है दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ दिस लाइन। इसको वेवगाइड बोलते हैं जो आपके टावर वावर में लगा रहता है, सर्कुलर वेवगाइड। वेवगाइड वेव को जो रास्ता दे दैट इज़ अ वेवगाइड। तो हम लोग करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अगर किसी चीज़ का पता चल जाता है, अगर उतने ही अमाउंट का अगर लोड लगा दें, लोड मतलब जानते हो, लोड मतलब जैसे यहाँ लोड लगाना है, प्रेस लगा दो, मतलब ट्यूबलाइट, ये सारे क्या है, लोड ही तो हैं। तो अगर लाइन का आपको करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पता चल गया तो उतने ही अमाउंट का अगर लोड लगा दोगे तो क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी उसमें जा पाती है, मैक्सिमम एनर्जी जा पाती है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैक्सिमम एनर्जी उसमें जा पाती है, ट्रांसफ़र हो पाती है। फोर्थ यूनिट में जब केवल के सी एल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होगा या नहीं होगा, हो सकता है हो, तो वहाँ हम ये बात करेंगे कभी। तो हम कहते हैं जब करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर होता है तो पावर का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम एक दो दिन आपके नेचर को, आपकी क्लास की लेवल को, सबसे मिनिमम बच्चा, आप डेली 100-200 बच्चे सामने से गुजर जाते हैं,
तो कभी लाइव क्लास, कभी एमटेक वालों को लाइव क्लास, कभी पीएचडी की वाइवा, तो मतलब कोई बच्चा गुजर गई आपके क्लास, तो हम आपकी करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का लेवल पता करते हैं कि मिनिमम जो बच्चा है सबसे उसके लेवल से हम अपना लेवल मैच कराएंगे, तभी तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? हम जिसका मैक्सिमम लेवल है उससे हम मैच करा के अगर डाटा को ट्रांसमिट करेंगे तो हमारी 80% या 50% क्लास तो मैक्सिमम डाटा नहीं ट्रांसफ़र होगी। तो इसी तरीके से करेक्टरिस्टिक पैरामीटर किसी का भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क ले रहे हैं, उनका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है बताओ, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। और बाद में बताएंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो एनर्जी आ रही है कितना रास्ते में लॉस हो जा रही है, कितना वापस चली जा रही है, अगर करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब वापस भी जाएगी कुछ। क्यों? मिसमैच हुआ तो वापस भी एनर्जी जाएगी, कुछ लॉस होगी हीट के फॉर्म में, कुछ फाइबर केबल है तो बेंडिंग लॉस, बहुत सारे लॉस होते हैं तो उसके कारण लॉस होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस से मैच हो जाए, इसका मतलब उस नेटवर्क की हम लोग को जानकारी होनी चाहिए ना। तो हम लोग कुछ सिंपल से नेटवर्क आपके सिलेबस में है, टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, उनका आप क्या निकालना है, करेक्टरिस्टिक नेटवर्क। और उसमें भी बहुत सिंपल दे दिया है आपके क्लास में कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल मतलब ये होता है कि जो सीरीज में जितने हो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस उसका सम क्या हो, उसका सम क्या हो, जेड वन, और जो संट मतलब पैरेलल में जो इम्पीडेंस हो उसका भी सम क्या होना चाहिए, जेड टू, जेड वन और जेड टू। और सीसा बीच में रखने के बाद जैसा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वैसा राइट हैंड साइड दिख रहा है, तो उसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना। तो हमने टी के बारे में बता दिया था, अब हम आज बात करेंगे क्या, पाई नेटवर्क। क्या? पाई नेटवर्क। तो पर हेडिंग डालो पाई सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना जरूरी है कि नहीं? करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इम्पीडेंस ऑफ पाई, ऐसे बनता ना पाई, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। अब देखो बेटा, हम लोगों ने टी पाई एल नेटवर्क सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे हैं कि जैसा लेटर है, जैसे पाई नेटवर्क की बात हो रही है तो इसका मतलब पाई टाइप होगा, एक याद है कि भूल गए आप लोग? याद है, वेरी गुड। जेड ओ टी नेटवर्क है ना, कैसे पहचाने हैं? हाँ, वेरी गुड। तो यल भी बना लेंगे, आप कौन सा नेटवर्क हो गया, पाई हो गया, पाई नेटवर्क। अ
अगर इसकी वैल्यू एक ही है तो टोटल कितना होना चाहिए सिमेट्रिकल नेटवर्क में? सीरीज मतलब, बेटा देखो सब लोग समझते जाओ, सीरीज मतलब ए हाथ के लाइन में जितने इम्पीडेंस आएंगे जोड़ देंगे तो कितना टोटल होना चाहिए? जेड वन हो तो जेड वन ही लिख दे रहे हैं क्योंकि एक ही है। अगर हम यहाँ जेड टू लिख दें तो यहाँ जेड टू लिखना पड़ेगा सिमेट्रिकल होने के लिए ना, तो जेड टू पैरेलल हो जाएंगे तो जेड टू बाई टू आ जाएगा ना, तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या लिखना है? टू जेड टू याद रखिए, पाई नेटवर्क का सिमेट्रिकल नेटवर्क का इम्पीडेंस ए होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, टू जेड टू पैरेलल होंगे तो क्या आएंगे? देखो सीरीज इम्पीडेंस की बात करें हम, अगर सीरीज इम्पीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क, सीरीज इम्पीडेंस, सीरीज इम्पीडेंस बातचीत नहीं, सीरीज इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क कितना है? जेड वन। और संट इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल, शॉर्ट में सिमेट्रिकल लिख रहे, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क कितना है बता? अब देखो बेटा, टू जेड टू ए है संट में, देख संट मतलब ए ना है कि नहीं है, ए टू जेड टू दोनों पैरेलल हैं कि नहीं? दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब टोटल की बात करें तो टू जेड टू पैरेलल टू टू जेड टू, पैरेलल में हमने बताया है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा, तो कितना आएगा? अब नहीं समझ आ रहा है बेटा, तो देखो दो नेटवर्क पैरेलल में हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, टू जेड टू इंटू टू जेड टू डिवाइड बाई टू जेड टू प्लस टू जेड टू, ठीक है। तो कट के देखो, टू जेड टू, टू जेड टू मल्टीप्लाई की हुआ तो कितना है? फोर जेड टू स्क्वायर, तो फोर जेड टू स्क्वायर डिवाइड बाई फोर जेड टू। अब देखो फोर फोर कैंसिल हो गया तो कितना आया? जेड टू। यही हम लोग चाह रहे थे कि संट में टोटल कितना होना चाहिए? जेड टू है, और सीरीज में कितना है? जेड वन है। तो इसका मतलब सिमेट्रिकल नेटवर्क है ना। अब इसका इम्पीडेंस निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने के लिए। देखो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसे निकल सकता है? इम्पीडेंस निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज और करेंट का रेशियो चाहिए, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, ठीक है। लेकिन आप में दो तरीके दिए हैं, करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ सीरीज इम्पीडेंस एंड संट इम्पीडेंस, मतलब जेड वन जेड टू के टर्म में करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आपको निकालना है। दूसरा तरीका, एक बार शॉर्ट करके एक बार ओपन करके। तो पहले तरीके से हम लोग निकाला जाए, करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बाई इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड संट इम्पीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क। पहला तरीका देखिए, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट लिख दें, पूरा लिखें, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ, जैसे टी वाला आपने क्लास देखा है ना, सेम प्रोसीजर लगाएंगे, कहीं चेंज नहीं करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सीरीज इम्पीडेंस इसको हम लोग क्या देखेंगे? जेड वन एंड संट इम्पीडेंस जेड टू से।
ये समझ में आया कि नहीं, मतलब जेड नॉट की वैल्यू किससे किसके टर्म में आएगी, जेड वन और जेड टू की। ठीक, इसको पहले कर लिया जाए फिर बाद में दूसरे तरीकों को। ठीक, अब बेटा देखो पाई नेटवर्क बनाएंगे फिर से हम लोग। पाई नेटवर्क जहां जिसको ना समझ में आए तुरंत पूछना। जेड वन और ए क्या है, टू जेड टू, टू जेड टू, टू जेड टू। ठीक, अब देखो बेटा टी नेटवर्क में भी हम लोगों ने क्या किया था कि यहां से इनपुट इंपीडेंस मेजर किया था, याद है ना, लेकिन किससे टर्मिनेट किया था, जिसको निकालना है, किसको निकालना है, जेड नॉट, तो जेड नॉट से हम लोग टर्मिनेट कर देंगे इसको, जेड नॉट, जेड नॉट से टर्मिनेट कर दिया। अब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, इनपुट इंपीडेंस ना, जेड इन, इसका नाम क्या रख दें, जेड इन, जेड इन। ठीक, अब देखो बेटा ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो जिससे लोड जितना होता है उतना ही इनपुट पे होता है, हमने बताया, क्योंकि इंटायर लाइन में क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ही रहेगा जेड नॉट। तो जेड इन की वैल्यू फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क कितना होगा, हाँ वेरी गुड, फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल नेटवर्क को शॉर्ट में NW लिख दे रहे हैं, नेटवर्क जेड इन मतलब जितना लोड पे पंखा टांगोगे तो इनपुट पे भी उतना ही लोड पड़ेगा पंखे के बराबर, पीछे जेड इन इज इक्वल टू जेड नॉट। अब देखो बेटा, अब हम लोग थोड़ा देखिए यहाँ देखो आंख लगाओ, यहाँ पे हम लोग आंख लगाएं, देखो यहाँ पे आंख लगाया। ठीक, अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, मतलब पैरेलल में क्या होता है, दोनों का गुणा डिवाइड बाय दोनों का जोड़, इसके जगह पे एक नेटवर्क बन जाएगा। फिर ए इसके सीरीज में है कि नहीं बताओ, कहाँ कुछ कहाँ सोच रहे हो बेटा, अरे हम लोग को देख लो कुछ दिन, नहीं मौका नहीं मिलेगा क्यों भाई, सही बात है कि नहीं। अब ए सीरीज में हो गया तो ए पूरे के जगह एक लग जाएगा, तो ए दोनों क्या हो गए, ए किसके बराबर है, जेड इन। तो हम एक लाइन में लिख दें इसको, किसी को ना समझ में आए तो बताओ क्यों, अरे ना आ रहा हो तो बता दो, बताओ पैरेलल सीरीज समझ आ रहा है कि नहीं। देखो कभी शिक्षक के सामने जो है, मतलब मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग की सबसे हाईएस्ट डिग्री हमने लिया हुआ है, कभी टीचर के सामने मतलब ना कोई ईगो होना चाहिए ना कोई क्लास में इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि सब फीस दे के कुछ शिक्षा लेने ही तो आए हो ना, तो कभी भी किसी स्टेज पे शर्माना नहीं चाहिए कि बगल वाला क्या सोचेगा, अरे हम अपने गुरुजी से बात कर रहे हैं ना, हम उनसे पूछ रहे हैं, तो बगल वाला सोचने दो। तो मन में कभी किसी पॉइंट पे डाउट आए तो बेहिचक पूछो, हम तो तुम लोग को कहते हैं कौनो सब्जेक्ट पूछो, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, मतलब कौनो सेमेस्टर का पूछो, लेकिन पूछो तो नेटवर्क में हिचक करोगे तो सबसे कठिन सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे सरल है बता रहा हूँ, जिस दिन कह दूंगा ख़त्म है तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान क्लास में होना चाहिए नहीं कि पार्क में। तो देखो तो ये दोनों पैरेलल हैं, देखो बेटा पैरेलल सबसे सिंपल तरीका, हम यहाँ से पानी समरसेबल का चल रहा है, ठीक है, ये सब नाली हैं,
ठीक, यहाँ पानी जा रहा है। तो देखो यहाँ जो पानी जाएगा, यहाँ पे हो सकता है नाली कैपेसिटी अलग है तो अलग जाएगा, नहीं तो इसका मतलब ए और ए इंटायर नेटवर्क क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। अब यहाँ से जो पानी जा रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से नाली ये काटे हैं मोटी, ए काटे हैं पतली, तो इन दोनों में अलग अलग पानी जाएगा। तो जहाँ पानी अलग अलग जाएगा वो पैरेलल होता है, जहाँ पानी सेम जाता है वो सीरीज में आता है। तो गांव ना समझ में आए तो नाली उली काट के देख लिया करो, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अभी एक लाइन में लिख दूँ, आप देखो बेटा, इसको हम लोगों ने जेड इन, देखो लिखने जा रहे हैं, उल्टा साइड से लिख रहे हैं। देखो दोनों पैरेलल, देखो भाई सब लोग क्या क्या है, बोलते जाओ। 2Z2 पैरेलल टू जेड नॉट, ए पूरा किसके सीरीज में है, तो सम हो जाता है ना Z1, उसके बाद किसके पैरेलल हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दें क्या, किसके पैरेलल हैं 2Z2। एक इसको नहीं समझ आया। अब देखो इसमें भी कर सकते हो, देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो इसको नेटवर्क को हटा दो, यहाँ से बना लो 2Z2 पैरेलल टू Z0, ठीक। अब देखो ये दोनों सीरीज में हैं तो इनके जगह पे एक नेटवर्क बनाया जा सकता है, तो इन दोनों को हटा दिए, लेकिन किसको ऐड कर दिए इसमें Z1, एक हो गया। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, ये वही लिख दिया गया। अब कहानी तो ख़त्म हो गई, अब गुणा भाग है, कहानी ख़त्म हो गई, थोड़ा गुणा भाग करके सुंदर बना देंगे जैसे किताब में बनाता है, तो Z0 कैलकुलेट हो गया। देखो तो पहले गुणा कौन वाला, छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए जिससे नंबर भी मिलेगा। 2Z2 पैरेलल टू Z1 प्लस, देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2Z2 इंटू Z0 डिवाइड बाई, दोनों का सम ना 2, हाँ बोलते जाओ, रिस्पॉन्ड करो अच्छा लगेगा, Z0। अब ये वाला ब्रैकेट में गुणा गुणा करके कर लें क्या, एलसीएम कैसे किया जाता है, इसका एलसीएम ना इसके नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम लेके देखो, बताना गलत होगा, तो 2Z2 पैरेलल टू Z1 का इसमें गुणा कर दें डायरेक्ट, Z1 2Z2 प्लस Z0 और इसका 2Z2 Z0 और डिवाइड बाई 2Z2 प्लस Z0, ठीक। अब थोड़ा सा एक बार और सुंदर बना दिया जाए इसको खोलने के लिए। ये लाइन क्यों बढ़ा रहे हैं जानते हो, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लाइन इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आपको नंबर लेना है ना, तो दो चार कापी भरोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुमने करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला है ना। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन आता है ना। अब देखो बेटा Z1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा बोलो, 2Z1 Z2 Z1 का Z0 में प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइड बाई 2Z2 प्लस Z0। अब तो और लंबा करना पड़ेगा ना। अब ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को गुणा डिवाइड बाय दोनों का जोड़। अब देखो फिर करते हैं, देखो देखते रहना कि कहीं कुछ मैथमेटिकल,
अब देखो बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2Z2, जेड इन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो जेड इन 2Z2 मल्टीप्लाई बाई सेम बोलोगे 2Z1 Z2 प्लस Z1 इंटू Z0 प्लस 2Z1 Z2 Z0 और अपान 2Z2 प्लस Z0 डिवाइड बाई, हाँ 2Z2 प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइड बाय, हाँ सही है ना, डिवाइड बाय 2Z2 प्लस Z0। कट कट तो रहा नहीं रहे, कुछ मल्टीप्लाई कर दें उस पर वाले में 2Z2 का, इधर नीचे ले आए एक लाइन में, क्यों ये वाले को सब में मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, ठीक, और इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगली लाइन में किया जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको क्या करने जा रहे हैं, ठीक। देखो अगली लाइन में 4Z1 Z2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2Z1 Z0 Z2 और प्लस 4Z2 स्क्वायर Z0, ठीक, और डिवाइड बाई, ऐसे डिवाइड लिख दें, ऐसे लाइन खींच के, समझ में आता है ना, क्या है 2Z2 प्लस Z0, फिर टोटल डिवाइड बाई, अब इसको देखो इसके साथ ले आ रहे हैं, ठीक है, तो 2Z2 प्लस Z0 इंटू 2Z2 और फिर क्या है प्लस 2Z1 Z2 Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइड बाई, हाँ डिवाइड बाई 2Z2 प्लस Z। अब बेटा देखो, तुम लोग पढ़े होगे एक्स बाई वाई, एक्स अपान जेड अपान वाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स अपान वाई इंटू वाई अपान जेड, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा ना, सब समझ आ रहा है कि नहीं पीछे, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, तो देखो इसके भी नीचे वही है, इसके भी नीचे वही है, तो दोनों काट दें, दोनों को इसको और इसको, इसको और इसको कैंसिल हो गया, इतना बटा इतना अगली लाइन में लिख दें केवल, बोलो, और ए वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगली लाइन देखो, बताना कहीं मिस ना होने पाए, 4Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z0 Z2 प्लस 4Z2 स्क्वायर Z0 डिवाइड बाई 4Z2 स्क्वायर प्लस 2Z2 Z0 प्लस क्या, यहाँ अरे अगली लाइन में कर देंगे, नंबर लेना है ना, प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 2Z2 Z0
ये समझ आया कि नहीं बताओ, जेड इन किसके बराबर है? जेड नॉट ना, तो यहाँ जेड इन के बराबर जेड नॉट लिख दें क्या? फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क क्यों? तो जेड नॉट लिख दिए, ठीक। हम लोग को निकालना क्या था यार, हम लोग बुला गए क्या? क्या निकालना है, किसके टर्म में? तो एक साइड जेड नॉट होना चाहिए, दूसरे साइड जेड वन जेड टू, यही ना? तो मतलब भूले नहीं है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो जेड नॉट सब में मल्टीप्लाई करना है, बताओ जोड़ लें क्या क्या जुड़ रहा है, बताओ। जेड टू जेड नॉट और कहाँ है? हाँ तो ये क्या हो गया, फोर। ये और कौन जुड़ रहा है? एक ही जुड़ रहा है ना, ओके। तो डायरेक्ट जोड़ के हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जेड नॉट का इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए, फोर जेड टू स्क्वायर जेड नॉट प्लस फोर जेड टू जेड नॉट स्क्वायर प्लस बोलो टू जेड वन जेड नॉट जेड टू प्लस जेड वन जेड नॉट का स्क्वायर। अब सही है ना? अब इक्वल टू फोर जेड वन जेड टू स्क्वायर प्लस टू जेड वन जेड नॉट जेड टू प्लस फोर इंटू जेड नॉट। देखो कट उट रहा हो तो कुछ और छोटा कर दो। क्या क्या कट रहा है? ए कट रहा है तो इसको काट ही दे, ए और यही ना, और ए पहला वाला ए और लास्ट, तो वो छोटा हो गया ना। क्या आया? फोर जेड टू जेड नॉट स्क्वायर प्लस है कुछ, हाँ जेड वन ये नहीं कट रहा है, जेड वन जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जेड वन जेड टू स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं सबको, बताओ क्यों? किसी को ना आया तो बताओ क्यों, कहाँ लगे हुए हो, क्या कर रहे हो? अच्छा मतलब समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या निकालना है, जेड नॉट तो यहाँ कॉमन हो रहा है ना, कॉमन लिया जा सकता है, तो बताओ जेड नॉट स्क्वायर फोर जेड टू प्लस जेड वन इज इक्वल टू फोर जेड वन जेड टू का स्क्वायर। तो जेड नॉट इस पर तो नीचे चला जाएगा ना, भाग हो जाता है ना, टू एक्स बराबर वाई तो एक्स बराबर वाई बाई टू ना, तो जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है देखो, जेड नॉट की जेड नॉट स्क्वायर फोर जेड वन इंटू जेड टू स्क्वायर डिवाइड बाई फोर जेड टू प्लस जेड वन। अब देखो आंसर आ चुका है, लेकिन अब जेड नॉट की वैल्यू अंडर रूट हो जाएगा क्यों? लेकिन किताब वाले पता नहीं क्यों इसमें ऊपर नीचे जेड वन बाई फोर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सुंदर दिखे। ऊपर भी मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जेड वन बाई फोर, नीचे भी क्या करेंगे, जेड वन बाई फोर, ठीक है गुणा करें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जितने का नीचे। और तो देखो फोर जेड वन जेड टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड वन बाई फोर, नीचे भी
दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 जेड टू इंटू जेड वन बाई फोर प्लस जेड वन स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देखो समझ आया कि नहीं। अगली लाइन में 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया जेड वन स्क्वायर अपॉन जेड टू स्क्वायर डिवाइड बाई क्यों कितना आ रहा है जेड टू, हाँ जेड वन स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड वन जेड टू, ये किसकी वैल्यू आई करेक्टरिस्टिक, यही आंसर है। ये समझ आया कि नहीं ये लाइन बताओ। दोनों किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई जेड वन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई जेड वन बाई फोर न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर एन एंड डी, मतलब दोनों जगह उसी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ जेड वन एंड जेड टू, यही तो निकालने चले थे ना। अब ये याद रहना चाहिए बेटा आपको, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो पाई नेटवर्क करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, अगर जेड नॉट की वैल्यू कोई पूछे तो क्या हो जाएगा जेड वन जेड टू डिवाइड बाई अंडर रूट दिस, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, यही चीज किसकी मदद से निकालना है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। तो ये नोट हो गया, अब हेडिंग डालो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। क्या 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 हाँ देखो कितना आया था, इतना ही, यही नीचे वाला ना, तो उसके टर्म में लिख दो, वेरी गुड। देखो याद है इस बच्चे को, ये कह रहा है देखो नीचे वाला सर एक करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस टी नेटवर्क का था ना, तो इसको जेड ओ टी लिख दिया जाए तो ठीक सही रहेगा कि नहीं। एक इसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है पाई नेटवर्क का, तो एक और रिलेशन हो जाएगा जेड ओ पाई, ये पाई नेटवर्क का है, इज इक्वल टू जेड वन जेड टू का दोनों का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ओ टी, टी नेटवर्क का था ना, स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, तो पाई नेटवर्क का आर जेड ओ पाई इज इक्वल टू जेड वन जेड टू अपान जेड ओ टी। अब ठीक है ना, ये भी हो गया पार्ट, मतलब करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो टी नेटवर्क आया था देखो यही आया था नीचे वाला, हाँ हाँ रूट के अंदर, लेकिन स्क्वायर की वैल्यू तय थी ना। ये समझ आया कि नहीं बताओ, समझ आ गया कि नहीं बोलो। तो किसी के टर्म में कुछ भी लिखो, बस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल निकालना था हम लोग को, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। ये साफ करने जा रहे हैं, बोलो नोट हो गया सबका। अब हेडिंग डालो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ बताओ जल्दी से, इन टर्म्स ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और निकालना जिसका है उसका डायग्राम हम लोग को याद होना चाहिए, तो याद हो चुका होगा पाई नेटवर्क, क्यों सीरीज में कितना इम्पीडेंस होता है जेड वन, पैरेलल में टू जेड टू,
टू जेड टू जेड वन टू जेड टू। अब बेटा देखो इसको ओपन कर रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल क्या कर रहे हैं, पहले ओपन टर्म है, क्या कर रहे हैं ओपन, ये ओपन है। तो इसके जो इनपुट पे इम्पीडेंस आएगा उसको हम बोलते हैं जेड ओपन सर्किट इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं जेड ओपन सर्किट।